हमारे नंबर फ्रंट है सर, तो पाकिस्तान इन्फॉर्मर है हमारी फ्रीक्वेंसी पे। यस सर। पीछे जा रखी है और जो यहाँ पर है वो उन्हें बाएं तरफ लगा रखी है। ओवर। तुम इस कुत्ते को ट्रेस कर सकते हो? जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, 10 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए और पश्चिम की तरफ। चलो उस तरफ सर। उन घरों के आसपास होना चाहिए सर। रमजानी नंबर 20 यहाँ पर होंगे वाला में हिंदुस्तान की नफरी तकरीबन 120 के लगभग है। ने कहा था ना सर, आदत डाल लो, आदत पड़ गई। कोई गांव वाला जख्मी हो गया? अरे जख्मी नहीं, वो मर। लाश को उसके घर वालों के हवाले कर दो, अगर लावारिस हो तो उसे बाई से दफना देना। धर्मवीर, आई एम रेकमेंडिंग यू टू द सीईओ फॉर ए गैलेंट्री अवार्ड। थैंक यू सर। का इन्फॉर्मर। किसने मारा इसे सर? खिलौनों से खेलते खेलते बच्चे जवान हो जाते हैं। इन पाकिस्तानियों को पागल कुत्ते ने काटा है जो बॉर्डर क्रॉस करके यहां आएंगे। अरे जाएंगे पंजाब या कश्मीर जहां खुशहाली है, हरियाली है। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अरे यहाँ कौन सा शहर है, मीलों उजाड़ बियाबान रेगिस्तान,
जा साला, ना चाहते हुए भी इंसान दिन में आधा किलो मिट्टी खा जाता है। ए, 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 ए। धरती जैसी भी है तो हमारी अपनी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन क्या है इस धरती में, पैदा करती है कांटेदार झाड़ियां या फिर बिच्छू? शायद तुम नहीं जानते, ये धरती शेर भी पैदा करती है। मिट्टी से पैदा होने वाले शेर मिट्टी के ही होते होंगे। जी नहीं, दूसरों को मिट्टी में मिलाने वाले शेर। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम अगर फौज के सूबेदार ना होते तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझाता। अच्छा, ये लो, अब तो मैं सूबेदार भी नहीं। बताओ क्या बताना चाहते हो? मेरी जुबान से मेरे हाथ ज्यादा अच्छा बोलते हैं। आपसे पूछता हूँ सर, जो माँ बदसूरत होती है क्या उसके बच्चे उसे प्यार नहीं करते? क्या उसे इज्जत नहीं देते? नो सर, इसने मेरी माँ को गाली दिया सर, मेरी धरती माँ को गाली दिया है। डोंट डिसओबे माय ऑर्डर्स। सॉरी सर। मथुरा दास, भैरव सिंह से माफी मांगो। भैरव सिंह, इसे भाई समझकर गले लगा लो। What are you waiting for? चल, शाबाश। माफी चाहता। हमारी फौज की मूवमेंट शुरू हो चुकी है सर, अब मामला दूर नहीं, हमें दुश्मन का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो द न्यूज। द प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी टुडे आस्क्ड द सो कॉल्ड बिग नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर सुपीरियरिटी नॉट टू ऑर्डर इंडिया टू डू व्हाट दे विश्ड। द टाइम्स हैव पास्ड when any nation sitting 3,000 or 4,000 miles away would give orders to Indians, Mrs. Gandhi said. Today we will do what is best in our national interest and not what so-called... आप तो सब समझते हो साहब, मगर ये तो बताओ लड़ाई कब शुरू होगी? कमबख्त दुश्मन ना तो आगे बढ़ता है ना हमारी जान छोड़ता है। गुरनाम ठंड रख ठंड। महीनों से यहाँ पड़े हैं साहब, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, अब जो होना है उसे हो जाने दो साहब। दुश्मन आगे नहीं बढ़ता है तो मरने दो,
हमें आगे बढ़ने दो साहब। हमारे हाथ में कुछ नहीं वरयाम सिंह, तुम अपनी पोजीशन संभालो। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद। सब खैरियत तो है सूबेदार साहब? मेरी छुट्टी सैंक्शन हुई कि नहीं? ऐसी भी क्या तकलीफ है मथुरा दास कि तुम घर जाना चाहते हो? तकलीफ ये है कि मेरी बीवी कैंसर से मर रही है, मेरे बच्चे को पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं है, महीनों से यहां सड़ रहे, साली कोई चिट्ठी भी तो नहीं आती। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं मथुरा दास। यार हरि सिंह, देख मेरा भाई नानू पास हो गया यार। वाह क्या बात है। मस्त राम जी। हाँ जी। ये क्या है? चिट्ठी है जी। आप बताइए। चिट्ठी है? दुर्भाग्य, मेरे चेहरे पे कभी इतनी खुशी देखी? नहीं जी। ओए जवाना, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ। और राम सिंह टाइम क्यों है? और टाइम क्यों है? पौने दो। ओ गड्डी तो टाइम हो गया। चंगा जी, राम राम। और रंजीतिया, और रंजीत पाजी, और मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, कार जा रहा है, मैं बापू कुछ कहना? कह देना जी, सब ठीक। चंगा जी, चंगा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ओए मंजीतिया, मंजीतिया, हाथ मिला, हाथ मिला। मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, कार जा रहा है मैं। चंगा, कैसे दी तब बन गई छुट्टी? हाय हाय, मुंह लटका के बैठने वाले, बैठो। मैं तो चलिया कार। ओ सुखदेवा, ओ सुखदेवा, कार जा रहा है मैं, घर वालों को कुछ कहना? कह दियो साहब, चिट्ठी लिख दे रहन। चंगा चंगा, राम राम जी, मैं जा रहा। रतन सिंह जी, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है। चल अच्छा हुआ, छुट्टी मिल गई ना तुझे। जा अपनी बीवी को संभाल। मथुरा दास जी, आप खुश हैं कि आप घर जा रहे हैं, मगर खुशी का यह बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विधवा मां आंखों से देख नहीं सकती, और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल में खो गया है? कोई ऐसा भी है जिसकी मां की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसे गंगा में बहा देगा? किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को यह कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला दूर बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो यह जंग कैसे जीती जाएगी? बताओ, ऐसा जंग कितना जीता गया आप? मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे हवाई अड्डों पर हमला किया है, हमें जवाब देना होगा। प्रिपेयर टू स्ट्राइक देम बैक। हमारी प्राइम मिनिस्टर किसी वक्त भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है, विच मींस वॉर विद पाकिस्तान। अंडरस्टूड सर, माय बॉयज आर रेडी टू गो सर, आई प्रिपेयर देम फॉर द स्ट्राइक टुमारो मॉर्निंग राइट नाउ सर। गॉड बी विद यू एंडी सर। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर।
Gentlemen, briefing. Boys, जैसे कि रेडियो पर सुना, वॉर छिड़ चुकी है. दुश्मन ने हमारे एयरबेसिस पर हमला शुरू कर दिया है. हमें उनका जवाब देना है. इसलिए कल सुबह की पहली किरण के साथ हम रहीम यार खान बेस पर हमला करेंगे. We'll head out at 500 feet AGL and before crossing the border, we'll come down to 200 feet AGL. The runway lies east-west, so we head north. We have an error, boys. Nobody moves. I'll take the aircraft to the blast bin myself. But, sir? I don't want to lose any of you fine pilots to this stupid raid, okay? This is an order.